दिव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतनाथाय शांतकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापोत नाशनाय सर्व प्रकृतिद्व पद विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः क्षां क्षीं छूं छौं छ अशयाउसा नमः। चतुर्विध संगस्य तथिविचय जम्बुस्वामी तपोसली तीर्थक्षेत्रस्य से ग्रामस्य नगरस्य जनपदस्य प्रान्तस्य देशस्य विश्वस्य च शान्तधारा कर्तारस्य च शान्तधारा कर्तारस्य च अनुमोदकस्य च मधुवन प्रीतिव्यादिली वास्तव्य श्रीमती प्रकाशपति श्रीमती पद्माजी राजसेन रानु अभिजैन अर्चैन सपरिवारस्य कामा वास्तव्य गिरनारीलाल जी कमलचंद जी रजनी जी हिमांशु जी निकिता जी भूपेश जी सुति जी सिद्धि पुष्प जी सपरिवार से प्रभु जरिका वास्तव्य गोपीचंद जी तुष्ला देवी नवीन जी आवा जी स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से कोलकाता वास्तव्य नवल कुमार जी मंजू जी आकाश जी प्रीति जी सपरिवार से दिल्ली कृषानगर वास्तव्य शीलचंद जी दीपा जी सुमति जी निकिता जी दीपांशी मेहती जी सपरिवार से हटा दमो वास्तव्य दिनेश कुमार जी स्वास्थ्य लाभ हेतु स सपरिवार से नोएडा वास्तव्य नितिन जैन प्रियंका जैन प्रणति जैन सपरिवार से हल्दिया वेस्ट बंगाल वास्तव्य प्रवीण कुमार जी ज्योति झरना हिलोर सपरिवार से देवरी गोंदिया महाराष्ट्र वास्तव्य प्रकाश संजी पाटनी सपरिवार से कटनी वास्तव्य सवाई सिंघई प्रसन्न कुमार जी चंदारानी जी सपरिवार से जयपुर वास्तव्य पद्मा जी मनोज जी रिंकी जी बाकलीवाल रेवड़ी वाला परिवार सपरिवार से च सर्व दर्शक से जीव मात्र से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु वसत स्वाहा। ओम नमो भयोदो वर्तमान से रिहस से चक्कम जंतम गच्छय आय संपायलम लोयाणम भुयाणम जय वाय वादी वा थमणी वा रंगी वा मुड़वा सब जी सतन पद्मी रख रख स्वाहा। ओम राम श्याम नमो ओरियंताणम ओम रीम शिव नमो सिद्धाणम ओम रूम शुम नमो वायरियाणम ओम रौम छम नमो वज्रायाणम ओम रह छड़ बुलु शव शाऊणम चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधम्बो मंगलम चत्तारी लोकोत्मानता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली प्रणतोधम्बो लोकोत्मा ते क्षण पवजामि साहु क्षण पवजामि केवली प्रणतम धम्मो क्षण पवजामि इति अनादि मूल मंत्रे नमः शांतिधारा वर्षणम। ओम ह्रीं हरम नमो जिनाणम नमो ओहि जिनाणम नमो परमो हि जिनाणम नमो सपो हि जिनाणम नमो अणंतो हि जिनाणम नमो कोटबुद्धिडम नमो बीजबुद्धिडम नमो पादानुसारिणम नमो संवीर्ण सोदाराणम नमो शयम बुद्धाणम नमो पतेय बुद्धाणम नमो भोय बुद्धाणम नमो जुमदीडम नमो व्यूलमदीडम नमो दस्वपीडम नमो चौदस्वपीडम नमो अटंगवाहाडम दसदाणम नमो ब्यूटीपत्ताणम नमो विज्यहराणम नमो चारणाणम नमो पर्णसमणाणम नमो आकाशगामीणम नमो आशी विशाणम नमो दिठ्ठी विशाणम नमो गोताणम नमो घोर गुणाणम नमो घोर पकवाणम नमो घोर गुणबम्यारीणम नमो आमोशीपत्ताणम नमो खिल्लोशीपत्ताणम नमो जल्लोशीपत्ताणम नमो विपोशीपत्ताणम नमो शपोशीपत्ताणम नमो मणबलीडम नमो वच्वलीडम नमो कायबलीडम नमो खीरसवीडम नमो शपशवीडम नमो मोहर्षवीडम नमो अमीशवीडम नमो अकीर्ण महानसाणम नमो वड्डमाणम नमो शिद्धायदनाणम नमो भयवधो मेहदी महावीर वड्डमाण बुद्ध शृणोचेदी जसंतियम धम पौंडियंशे तसंतियम वीडियम पौंजी कायिड़वाचा मनसा विचम सकारेतम शिवपंचमीण ओम ह्रीं वरम श्री शवदेव जींद्राय नमो नमः। श्री अजितनाथ जींद्राय नमो नमः। श्री संभव श्री श्रीमतनाथ जींद्राय नमो नमः। श्री पद्म प्रोज जींद्राय नमो नमः। श्री सुपार्श्वनाथ जींद्राय नमो नमः। श्री चंद्रप्रोज जींद्राय नमो नमः। श्री पुष्पन जींद्राय नमो नमः। श्री शीतलनाथ जींद्राय नमो नमः। श्री श्यामसनाथ जींद्राय नमो नमः। श्री बांसपुज निंद्राय नमो नमः। श्री विमलनाथ निंद्राय नमो नमः। श्री अनंतनाथ निंद्राय नमो नमः। श्री धर्मनाथ निंद्राय नमो नमः। श्री शांतनाथ निंद्राय नमो नमः। श्री कुंथनाथ निंद्राय नमो नमः। श्री अरनाथ निंद्राय नमो नमः। श्री मल्लनाथ निंद्राय नमो नमः। श्री मृष्णनाथ निंद्राय नमो नमः। श्री नवनाथ निंद्राय नमो नमः। श्री नेमनाथ निंद्राय नमो नमः। ओम श्री अतिथिकाल संजाता श्री निर्वाणादि चतुर्थीकर चतुर्थी तीर्थंकर गर्व जनम तप जन्म शांति शेताय अनाथकाल संजाता श्री महापदवादी चतुर्थी तीर्थंकर गर्व जनम तप जन्म शांति शेताय संपत काले विक्षेत्र से श्रीमंदादि स्थितंकर सर्वशेष करा लोकोद्योतन करा षट चतुर्कर संयुक्ताय नव केवल लब्धिधराय कात्यकर रहताय गर्व जनम तप जन्म शांति शेताय ओम राम ह्रीं रूं रौं रे क्षां श्रीं श्रीं सर्वार्थदेव्यो नमः। सर्वसिद्धेभ्यो नमः। सर्वाचार्यभ्यो नमः। सर्वपाद्यायभ्यो नमः। सर्वसाधुभ्यो नमः। कृतमजनालेभ्यो नमः। अकृतमजनालेभ्यो नमः। कृतमजनबिम्बेभ्यो नमः। अकृतमजनबिम्बेभ्यो नमः।
जिन धर्मेभ्यो नमः जिन आगमेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्ट ओम राम ह्रीम रूम रोम श्याम श्री श्याम समुद्र सिंघाचार्यू। सभी महानुभाव अपने मन में अपना अपना नाम ले लेंगे। सभी अनुमोदना करने वाले एवं साधना कराने वाले महानुभाव भी अपने मन अपना नाम स्मरण करेंगे। सर्व शांतिम तुष्ट स्वाहा क्षेम सर्व प्रजानाम प्रवद बलवान धार्मिको भूमिपाल काले काले च भ्रष्टम विद्रत मगवा व्याधिनाशम दुर्भिक्षम चौरमारी क्षणमताजीवलोके जैनेन्द्रम धर्मचक्रम प्रवतम धर्मशौक प्रदायी प्रध्वस्तघातकर्माण केवल ज्ञान भास्कर कुरंतु जगता शांति विश्वाद्याजनीश्वरा संपूज्य काना प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जोली श्री शांतनाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, चौबीस तीर्थंकर भगवान की, अजेतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव वीतरागी सर्वज्ञ जिंद देव के दर्शन वंदन अर्चन पूजन भक्ति स्तुति वंदना नमस्कार प्रणाम अभिषेक एवं शांत धारा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है, लोक मंगल होता है, आत्मा को परम आनंद की अनुभूति होती है, विश्व में शांति होती है। उस भव्य प्राणी के रोग शोक दुख दर्द भय वादा सभी विघ्न विनाश को प्राप्त होते हैं। आज 20 अक्टूबर 2020 प्रातःकाल प्रत्युष वेला में श्री मनुष्यनाथ भगवान के चरणों में जिन्होंने श्रद्धा का पुष्प चढ़ाया है, मस्तकों पर ही अभिषेक और शानदार संपन्न की है, वे सभी महानुभाव धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। उन पुण्यात्मा महानुभावों में मधुबन प्रीति ब्याह दिल्ली से राजेश रानू, उनकी मातोश्री प्रकाशवती, धर्मपत्नी पद्मा जी, अभिक और अर्स सब परिवार के लिए धर्मवृद्धि सुभाषीष, कामाशे गन्नारी लाल जी, कमलचंदी, रजनी जी, हिमांशु जी, निकिता जी, भूपेश जी, श्रुति जी, दृति और खुशबू जी, सब परिवार के लिए धर्मवृद्धि सुभाषीष, फिरोजपुर झिरका से गोपीचंद जी, त्रिशला देवी जी, नवीन जी, आवा जी, स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मवृद्धि सुभाषीष, कोलकाता से नमन कुमार जी, मंजू जी, आकाशी, प्रीति जी, सब परिवार के लिए धर्मवृद्धि सुभाषीष, कृष्णानगर दिल्ली से शीलचंद जी, दीपा जी, सुमित जी, निकिता जी, दीपांशी, दिव्यांशी एवं मैत्री, सब परिवार धर्मवृद्धि सुभाषीष, हटा दमोह से दिनेश कुमार जी, स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मवृद्धि सुभाषीष, नोएडा से नितिन जी, प्रियंका जी, प्रणति जी, धर्मवृद्धि सुभाषीष, हल्दिया वेस्ट बंगाल से प्रवीण कुमार जी, ज्योति झरना हिलोर, सपरवा धर्मवृद्धि सुभाषीष, देवरी गोंदिया महाराष्ट्र से प्रकाशन जी पाटनी, सपरवा धर्मवृद्धि सुभाषीष, कटनी से सवाई सिंह प्रसन्न कुमार जी, चंदा रानी जी, धर्मवृद्धि सुभाषीष, जयपुर से पद्मा जी, मनोज जी, रिंकी जी, बाकलीवाल, रेवड़ी वाला परिवार, संपूर्ण परिवार के लिए धर्मवृद्धि सुभाषीष, आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ ओम शांति। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के लिए एक बार पुनः शुभकामनाएं इस पावन पुनीत धाम अतिश क्षेत्र बौलखेड़ा से, जहां जम्बू स्वामी भगवान ने तप किया, जहां परम पूज्य अवीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान वसुनंद जी महामुनिराज सत्संग वर्षा योग कर रहे हैं, जहां चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी बड़े बाबा भगवान मनुष्यवृतनाथ की छत्र छाया बरसती है, इस क्षेत्र से आप सभी जुड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आचार्य भगवान
सोमदेव सूरी महाराज ने यशस तिलक चंपू में लिखा शांति धारा का क्या महत्व है। यही बात आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में भी शांति धारा का महत्व को उल्लेख करते हुए कहा कि जो व्यक्ति शांति धारा करते हैं उनके सभी प्रकार के उपद्रव टलते हैं, उनकी सभी विघ्न बाधाओं का निराकरण होता है, उनके व्यापार वृद्धि में जो रुकावटें हैं, उनके किसी प्रकार की भूत प्रेत आदि बाधा है, उनको किसी प्रकार की प्रतिकूलता है, धन धान्य की कमी, जो भी जितने आज लौकिक प्रवेश में कष्ट दिखाई दे रहे हैं सब क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो भी महानुभाव शांति धारा करते हैं, यदि सामान्य किसी क्षेत्र स्थान पे जिन प्रतिमा की शांति धारा करें उसकी वजह यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में, अतिशय क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में शांति धारा ऐसे प्राचीन जिन बिंबों का किया जाता है वो महान अतिशयकारी होता है। आप सबको ये पता है इस क्षेत्र में भगवान मुनिश्वरित नाथ की चतुर्थकालीन दिव्य प्रतिमा है, उनके दिव्य नयनाभिराम दर्शन है, और तो और विश्व में सर्वश्रेष्ठ है सबसे ऊंचे यदि पद्मासन मुनिश्वरित नाथ भगवान की प्रतिमा है तो इसी बौलखेड़ा क्षेत्र में है। आप हम सभी रोज भगवान के अभिषेक के लिए आते हैं, इसीलिए मेरा आपसे कहना है, आज हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो महानुभाव अभी भी शायद कुछ लोग रह गए होंगे, कुछ साथी छूट सकते हैं, ये बात है, हमारा फर्ज होना चाहिए उन सभी तक ये बात पहुंचाइए कि भाई जो कहीं किसी कष्ट से जूझ रहा है उसको निकाल के एक सुख की विरासत में देना है, भगवान मुनिश्वरनाथ के चरणों में सौंपना है, पूज आचार संघ से जोड़ना है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आप उन सब परिवारों का शुभ अभिषेक के पश्चात में यहाँ हवन होता है और शनिवार के दिन महाशांति धारा के समय अभिषेक के बाद उन परिवारों को मुनिश्वरनाथ विधान में शामिल किया जाता है। आप हम सभी लोग जुड़ करके पूरे पूरे पुण्य लाभ ले रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे कुछ साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरे महीने की शांति धारा लिखाई है, उनकी बराबर फोन भी आते हैं, इसलिए उस कड़ी में आपको जोड़ने के लिए बस मैं आज आपसे निवेदन करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, आह्वान करता हूँ, मेरे भाई अब यदि अपना खुद का और अपने परिवार का भला करना है तो भगवान मुनिश्वरनाथ के चरणों से जुड़कर क्षेत्र में आए, अपनी शांति धारा अभिषेक के लिए जरूर अपना नाम प्रेषित करें। इसी पुनीत भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।